कुछ पढ़ेंगे रेजी के ताल्लुक से। मून आपके हाथ में कितने बलून हैं? दो। दो बलून हैं, शाबाश। इब्राहिम इन बलून को गिनकर बताओ ये बलून कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। शाबाश। तलहा ये बताओ कि एक बच्चे के हाथ में कितने बलून हैं? दो। दो। कितने कितने की जोड़ियाँ हैं? दो दो की जोड़ियाँ। शाबाश। हसन इन बलून को जो है पूरे जो है कितने बलून हुए दो दो की जोड़ियों में? आठ। आठ। कितनी जोड़ियाँ है ये? आठ। जोड़ियाँ कितनी है? दो। चार जोड़ियाँ। शाबाश। तो इसी तरह से जो है हम दो फिर दो 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 चार दो छः दो आठ तो कुल मिलाकर ये आठ हुए। तो इस तरह से ना बोलते हुए हम जो है सिर्फ इतना बोलेंगे अगर हम पहाड़े का सहारा लेंगे तो दो जरब चार बराबर आठ, दो जरब चार बराबर आठ, तो दो चौक आठ। तो इसी तरह से ये जरब की पेश की तैयारी है, ये जरब की पेश की तैयारी है। इसीलिए आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है जरब की पेश की तैयारी।